बहराइच में विधायक असलम रायनी ने सिरसिया ब्लॉक के दर्जनों गांवों का दौरा कर वहां का हालचाल जाना। इसी बीच मोतीपुर गांव में विधायक असलम रायनी के द्वारा लगाए गए ट्यूबवेल का स्वयं निरीक्षण किया गया। साथ ही विधायक ने सभी ग्रामीण वासियों को हर संभव मदद करने की भी बात कही। हमारे जनपद श्रावस्ती के विकास खंड मोतीपुर के ढाठू पुरवा गांव में सिंचाई विभाग के द्वारा ये ट्यूबवेल जो दिया गया है, ये ट्यूबवेल यहां पर लगाया गया है और यहां के अनुसूचित जनजाति के लोग बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। यहाँ के ट्यूबवेल लगने से 2 किलोमीटर के एरिया में सिंचाई हो रही है और कहीं पर सिंचाई हो भी नहीं रही थी, और लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा सौगात दिया है जो 6 इंची पानी यहाँ से निकल रहा है और ये सरकारी ट्यूबवेल लग करके, और यहाँ के अनुसूचित जनजाति के लोग सब बहुत खुश हैं। इनको ये लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई भी दे रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि विकास खंड सिरसिया के लगभग 25 गांव में अभी ट्यूबवेल आपका इसी वर्ष लगना है 2020-21 में 25 गांव में ट्यूबवेल अभी, और मैंने मांग किया है कि विकास खंड सिरसिया में लगे जिससे कि यहां पर सिंचाई की समस्या खत्म हो। मेरे प्रयास से बहुत खुश हैं, 100% खुश हैं। और अभी तक क्यों नहीं खुश थे? क्योंकि यही धान या गेहूँ की रोपाई जो हम लोग कर रहे थे, सिंचाई हो नहीं पा रहा, इसलिए खेती में बहुत कमी थी। आप जब से सिंचाई हो रहा है, आप बोलिए, तब से हम सब बहुत खुश। अगर और कोई होता तो? और कोई होता सर, आपके अलावा अगर विधायक, तो शायद यहाँ पर ट्यूबवेल नहीं लग पाता, क्योंकि यहाँ पे 3-4 जगह बोर किया गया है और आपका सहयोग, आपने चाहा कि यहाँ पे होगा ट्यूबवेल, इसलिए लग पाया यहाँ पे। तो सब लोग मतलब खुश हैं? बिल्कुल, यहाँ पर खुश है, सब लोग खुश हैं। खुश हैं सर, और 1-2 ट्यूबवेल और भी लग जाए। हम तो चाहते हैं कि एक ट्यूबवेल रनियापुर, एक और एक ट्यूबवेल हमारा भचकाही में, एक हमारा आपका कटकुइया में। मैं चाहता हूँ कि 3 ट्यूबवेल आपके अनुसूचित जनजाति में भी और लगे। ये मेरा प्रयास है। ये मोतीपुर ग्राम सभा बड़ा मौजा है, एक और दे दे तो और अच्छी बात है। ठीक है, हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जाएं, आदेश है। बहराइच से केकेआर न्यूज़ संवाददाता जियाउद्दीन की रिपोर्ट। और हमारे सीनियर श्री आर पी शुक्ला जी, एक्स असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल अरविंद श्रीवास्तव जी, मुनिंद्र पाठक जी, अनु मिश्रा जी, और हमारे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री वैभव महेश्वरी जी, प्रदेश नेतृत्व ने जो मुझे प्रदेश अध्यक्ष का पद दे के जो भी मेरे प्रति जो एक विश्वास व्यक्त किया है, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी माननीय सांसद संजय सिंह जी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ने जो भी नीतियां अधिवक्ताओं के हित में बनाई है, वही नीतियां, वो सारी सुविधाएं जो भी हैं, वो सब प्रदेश सरकार में से लागू करवाने के लिए हम लोग एक आंदोलन खड़ा करेंगे और चाहेंगे कि प्रदेश सरकार भी वो सारी नीतियां जो दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है, वो आम अधिवक्ता के लिए वो प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी वो लागू हो। पत्रकार महोदय लोग, मुझको इस बात का बहुत हर्ष है कि आज श्री जयकृष्ण शुक्ल के साथ हम लोग आप पार्टी में शामिल हो गए। मुझे इस बात का हर्ष है कि हम लोगों को जयकृष्ण शुक्ल के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिले। हमको इस बात का हर्ष है कि हम लोग अवधबार में जयकृष्ण शुक्ल के नेतृत्व में काम कर चुके हैं और यहाँ भी काम करेंगे उनके साथ। और इस बात का आपको विश्वास दिलाते हैं कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अब कभी जेल नहीं जाए, क्योंकि हम लोग उसके लिए खड़े रहेंगे। अपने अब हम लोगों की कलम आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो फर्जी क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। और यह इस बात का भी हर्ष है कि हम लोग इस बात का संघर्ष करेंगे कि जो दिल्ली में अधिवक्ताओं को सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, वो उन सुविधाओं को आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आई तो उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को भी प्रदान की जाएंगी वो सुविधाएं। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, जितने लोग हमारे साथ आए। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व की सरकार ने
शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजली और पानी के क्षेत्र में महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए दिल्ली में जो सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया दिल्ली सरकार ने, और दूसरी तरफ दिल्ली के अधिवक्ताओं को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए उनके हित में, दिल्ली के अंदर जितने भी वकीलों के चैंबर हैं, दिल्ली सरकार ने वकीलों के चैंबर में घरेलू बिजली कनेक्शन दे रखा है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में कमर्शियल बिजली अधिवक्ताओं से ली जाती है और दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले वकील जो अपने चैंबर में इस्तेमाल करते हैं, दिल्ली सरकार उनको 200 यूनिट तक बिजली फ्री देती है। उसके साथ साथ दिल्ली के वकीलों को जो आम आदमी पार्टी की सरकार जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई, कई जिलों में उनके खिलाफ मुकदमे कायम किए गए, तो राज्य कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया था कि आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता प्रकोष्ठ का गठन करेगी। जिले से लेकर स्टेट लेवल तक पार्टी एक संगठन का निर्माण करेगी। जो हमारा संगठन होगा वो पार्टी की जो दूसरी हमारी जो विंग है उस स्तर तक का संगठन होगा और कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है ये हमारी विंग उसके खिलाफ सभी अदालतों में लड़ने का काम करेगी। सभी सारे साथियों का इतनी बड़ी तादाद के सीनियर अधिवक्ता साथी आए आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में उनकी सरकार की नीतियों में इन सारे लोगों ने भरोसा किया। हम फिर एक बार उत्तर प्रदेश की इकाई की तरफ से हम सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये उम्मीद और विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी को मौका मिला, उत्तर प्रदेश की जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया, तो दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने सुविधाएं आपको दे रखी है वो तो सारी सुविधाएं हम उत्तर प्रदेश के वकीलों को मुहैया कराने का काम करेंगे। जो सीनियर जो अधिवक्ता है हाईकोर्ट में वो आपके सामने है, श्रीमती गौरी सिंह जी, एसपी सिंह सोमवंशी जी, रमाशंकर तिवारी जी, रजनीश ओझा जी, मुनेन्द्र पाठक जी, अभय सिंह जी, मनोज पांडे जी और ऐसे तमाम सारे नाम हैं। एक लंबी सूची है, अभी बहुत सारे लोग बाहर बैठे हैं वो आपके सामने आएंगे। तो बड़ी संख्या में जो अधिवक्ता साथियों ने आम आदमी पार्टी में जो शामिल हुए हैं, अब पिछले दिनों पार्टी की जो राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी आम आदमी पार्टी की, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर योगी आदित्यनाथ की पुलिस लगातार मुकदमे कायम कर रही है, कल अभी बंदी के दौरान देश के किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था, लाइफ इंश्योरेंस देती है, तो दिल्ली सरकार का जो ऐतिहासिक काम है, अरविंद केजरीवाल सरकार का जो विकास का मॉडल है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर बुद्धिजीवी साथी अधिवक्ता साथी जो न्याय की रक्षा करते हैं उसमें बहुत सारे अधिवक्ता साथी जो लखनऊ बार अवध के एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, सरकारी वकील भी रह चुके हैं, दूसरे तमाम सारे सीनियर साथी आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की इकाई की तरफ से हम उन सारे साथियों का हम स्वागत करते हैं। जो साथी आज शामिल हो रहे हैं उनमें जयकृष्ण शुक्ला जी हैं जो पूर्व उपाध्यक्ष है अवध बार एसोसिएशन के, श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव जी
जो सुल्तानपुर बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री हैं, तीसरे हमारे जो वरिष्ठ साथी श्री आर पी शुक्ला जी हैं, जो हाई कोर्ट में जो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान में गोमती नगर पुलिस और क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 6 दो पहिया वाहन भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि शातिर अपराधी का पहले से ही कई शहरों में मुकदमे पंजीकृत है। ये आज लगभग 3:30 बजे सुबह के आसपास ये उमेश लोनिया नाम का एक व्यक्ति है, जो कि जनपद सीतापुर का रहने वाला है। 27 साल लगभग इसकी उम्र है। ये चोरी के इसके ऊपर कई मुकदमे हैं और रात को भी ये एक गाड़ी चोरी के साथ पकड़ा गया है। और जब इससे पूछताछ की, कड़ाई से पूछताछ की गई, तो पता चला कि इसके पास अन्य गाड़ियाँ भी इसने पहले से जो चोरी की हुई थी वो पास से ही इसमें छुपा करके रखता था, और इसी की निशानदेही पर जो अन्य चोरी की गाड़ियाँ थी वो भी बरामद की गई हैं। और जिसके संबंध में एक मुकदमा जो गाड़ी इसके पास से पाई गई है, इसके संबंध में जनपद बाराबंकी में देवा में एक मुकदमा पंजीकृत है, और बाकी जो अन्य गाड़ियाँ हैं वो भी मुकदमे से संबंधित हैं और अभी इसकी जाँच चल रही है। टोटल इसके पास से 2 स्कूटी और 4 मोटरसाइकिल इसके पास से बरामद हुई है, और अभी इससे कड़ाई से पूछताछ चल रही है और जो भी अन्य जानकारी उसके हिसाब से कार्रवाई की। गैंग में कौन कौन साथ में और करते क्या थे लोग, चोरी का गाड़ियों का बेच देते थे या उसका पैसा ऐसे कुछ काम करते थे? जी हाँ, वो अभी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, अभी मुकदमा पंजीकृत किया गया है, इससे पूछताछ चल रही है। इसके गैंग में यदि कोई अन्य लोग होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगा। कुछ नंबर हमारे पास इसके थ्रू हमको मिले हैं, हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, और इसमें भी आगे जो भी प्रगति होगी वो आपको अवगत कराया जाएगा। ये लखनऊ जनपद के अलावा और किन किन जिलों में काम कर रहे हैं? जी हाँ, लखनऊ जनपद के अलावा इनके अन्य जनपदों में भी इनका नेटवर्क सक्रिय था। ये जनपद बाराबंकी, सीतापुर और लखनऊ, ये 3 मेन एरिया थे जिसमें ये काम करते थे, और इन 3 जनपदों में इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत है। आपराधिक इतिहास क्या है और ये कितनी घटनाओं में अब तक अंजाम दे चुके हैं? ये अभी तक जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, जो जांच से पता चला है, इनके विरुद्ध टोटल कुल 16 मुकदमे इस व्यक्ति के विरुद्ध अलग अलग जनपदों में लिखे गए हैं, और अभी जो जानकारी मिली है 16 मुकदमे, और अभी और जानकारी हम ले रहे हैं, और जो जानकारी मिलेगी उससे अवगत कराया जाएगा। ये कहां से पूरी तरीके से संचालित करता था अपना पूरा नेटवर्क? सीतापुर और लखनऊ क्योंकि बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, तो इन लोगों का इंटर डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन ये लोग करते थे। यहाँ पर जो गाड़ियाँ थी ये चोरी करके अन्य जनपदों में इसको कुछ सेकेंड हैंड भी बेचते थे और कुछ पार्ट्स भी इसके गाड़ियों के बेचते थे। गाड़ियाँ कितनी बेची जा चुकी होंगी इनकी तरफ से, क्या कुछ जानकारी? इससे जानकारी अभी हम लोग इससे पूछताछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी मिलेगा उससे आपको अवगत कराया जाएगा। ये हम लोग की क्राइम ब्रांच की टीम और जो पुलिस यहाँ की लोकल पुलिस है, इस लोगों के कई दिन से हम लोग इसके लगे हुए थे, इनके नंबर्स वगैरह हम लोग ट्रेस कर रहे थे, और मुखबिर से और ये जो हमारी सर्वेलेंस टीम थी इनकी मदद से इस चोर तक हम लोग पहुंचे हैं। सर, चोरी जोन में सबसे ज्यादा शिकायतें बाहर चोरी की है, चाहे वो लग्जरी कार हो या मोटरसाइकिल हो, बाजार हो या घर के बाहर हो, बहुत काफी समय से यहाँ पर बाहर चोरी की शिकायतें हैं, तो क्या इसको रोकने के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाई है? कई गैंग इस पर काम कर रहे थे। जी हाँ, हम लोगों ने अभी मीटिंग करके इसको, क्योंकि आप जैसा जानते हैं शादी का सीजन है और जितने भी मैरिज लॉन्स हैं वहाँ से कुछ शिकायतें आई थी कि वहाँ से गाड़ियाँ कार लिफ्टिंग हो रही है, ऑटो लिफ्टिंग हो रही है, तो वहाँ पर हम लोग अभी मीटिंग भी हम लोगों ने किया, आगे भी मीटिंग्स करेंगे जितने मैरिज हॉल्स हैं, होटल्स ओनर हैं, कि कम से कम जो पार्किंग एरिया है वहाँ पर वो सीसीटीवी कैमरास लगाएं, जिससे कि अगर मान लीजिए कोई इस तरह की वारदात होती है तो हम कल्प्रिट को पकड़ सकें, और जो इस तरह के गैंग हैं उनको भी हम लोग टाइम टाइम पर जो है दबिज दे करके उनको भी पूछताछ, कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। अभी जिस तरह के उनका सत्यापन किया जा रहा है कि वो कहाँ है, जेल में है, यदि जेल में नहीं है बाहर है तो आजीविका के लिए क्या कर रहे हैं, तो इस तरह से एक पूरी ओवरऑल स्ट्रेटजी बनाई जा रही है और हमें उम्मीद है कि हमें सफलता मिलेगी। लखनऊ से केके न्यूज संवाददाता विनय मिश्रा की रिपोर्ट।